अच्छा, तो हार्ट मर्मर्स असल में इट्स नॉट टफ, बट द थिंग इज़ देर आर सो मैनी वाल्व्स एंड देर आर सो मैनी मर्मर्स विच समटाइम्स वी जस्ट गेट कन्फ्यूज्ड. सो आई हैव कम अप विद अ ट्रिक, नॉट दैट आई हैव कम अप विद अ ट्रिक, इट्स आई थिंक देर, बट मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल यू डोंट नो अबाउट इट, बट आई हैव लर्नड इट एंड आई डिसाइडेड वाई नॉट जस्ट शेयर इट हेयर सो दैट सम ऑफ द अदर पीपल दे मे बेनिफिट फ्राम इट. अच्छा, तो ट्रिक ये है कि फर्स्टली वी नो दैट द लेफ्ट साइडेड वाल्व्स दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द राइट साइडेड वाल्व्स, मैंने मतलब लेफ्ट साइडेड बाय दैट आई मीन द माइट्रल वाल्व एंड द आयोर्टिक वाल्व. तो अगर हम इनके लीजन्स याद रखें तो राइट साइडेड भी ऑलमोस्ट सेम है. राइट साइडेड वाल्व्स देयर लीजन एंड देयर मर्मर्स दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम. तो अच्छा, हमने माइंड में ये स्केच बनाना है, मैं जो लिखते जा रहा हूँ बस उसको आप लोग माइंड में मतलब उसी तरह आपने याद रखना है. अच्छा, वी आर गोना स्टार्ट विद माइट्रल वाल्व. तो माइट्रल वाल्व यानी MS, माइट्रल स्टेनोसिस, फिर माइट्रल रिगर्ड्स, फिर aortic स्टेनोसिस एंड फिर aortic रिगर्ड्स. ये सीक्वेंस आप लोगों ने बस माइंड में रख लेना है, मतलब यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दिस सीक्वेंस. अच्छा, फिर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके जो एक्सट्रीम्स वाले हैं, यानी जो MS और AR जो है ना, जो एक्सट्रीम्स वाले हैं, वो ये दोनों, ये और ये डायस्टोलिक होंगे हमारे साथ. हमारे पास ये है डायस्टोलिक. अच्छा, तो ये डायस्टोलिक हो गया और ये डायस्टोलिक हो गया, ये AR भी डायस्टोलिक हो गया. अच्छा, मतलब ये दोनों डायस्टोलिक हो गए. तो बीच वाले जो दो हैं, ये वाले, ये दो, ये सिस्टोलिक हो गए. दीज आर सिस्टोलिक. अच्छा, ये तो मतलब हो गया ना. अच्छा, हम अभी द फर्दर थिंग इज़ यू हैव टू मेमोराइज दीज फोर लेटर्स. नाउ फोर लेटर्स हैं MPEE. एम से क्या है, मिड, यानी MS का है मिड डायस्टोलिक. MR का क्या है, P इज पैन, यानी पैन सिस्टोलिक. तो MR का क्या है, पैन सिस्टोलिक है. अच्छा, फिर E से क्या है, हमारे E से है एजेक्शन, यानी AS का है एजेक्शन सिस्टोलिक. एंड AR का है